देवगांव कांग्रेस कार्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने कहा, खिलाड़ियों के आंसू में 2024 में बह जाएगी भाजपा। देवगांव कांग्रेस कार्यालय पर आज देर शाम 8 बजे के करीब पत्रकारों से रूबरू होते हुए कांग्रेस के लालगंज ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने कहा, खिलाड़ियों के आंसू में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में बह जाएगी। उन्होंने कहा कि देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली ये महिला पहलवान अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ पूरे देश के लोगों की हमदर्दी है। भाजपा सरकार घमंड में चूर है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अपने कृत्यों से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आम जनता पूरी तरह नकार देगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कर्नाटक की जनता ने भाजपा को सबक सिखाया है, उसी प्रकार पूरे देश की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि यह सरकार पूरी तरह घमंड में चूर है और उन्हें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति करके 2024 में सत्ता हथियाने की कल्पना धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि जनता अब मन बना चुकी है कि वो कांग्रेस को सत्ता सौंप देगी और भाजपा सरकार को उखाड़ देगी। मैं अहमद वकार एडवोकेट, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी लाल गंज आजम। मैं कांग्रेस पार्टी लाल गंज की तरफ से दिल्ली में आंदोलनरत पहलवानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज की जो केंद्र सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उनकी कान में जूझ ही रहता है। एक वाकया याद आ रहा है, हम लोग चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के दल से संबंध और विचारों रखते हैं, एक मीटिंग में नेहरू जी गए हुए थे, एक महिला ने उनको पकड़ कर, उनका काला पकड़ कर कहा कि आपको तो प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली है, लेकिन हमको क्या मिला। तो उन्होंने तब कहा था कि आपको कागज पकड़ने की आज़ादी मिली हुई है, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी उन पहलवानों को तो मेडल जब प्राप्त किए थे तो उन्होंने चाय पर बुलाया था, परंतु आज जो पूरे देश की राजनीति को उनके एक सांसद बृजभूषण सिंह जो पूरा प्रदूषण भारतवर्ष में फैला दिए हैं, जिसके लिए हम कांग्रेस के लोग जो पाप का घड़ा भर गया है, हम लोग उस घटना की निंदा करते हैं और आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से कर्नाटक की जनता धन बल बाहुबल और धर्मवाद से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में स्पष्ट बहुमत दिया है, निसंदेह उत्तर प्रदेश की जनता भी अब करवट लेना शुरू कर दी है।